अब आप हमारी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहां पर आप मोहित कुमार कश्यप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सभी कोर्सेज जो कि SSC, रेलवे, CTET, UPTET और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं सभी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया। सो गाइज, अभी हाल ही में कुछ शहरों के स्थानों के नाम बदले गए हैं, चेंज किए गए हैं, तो आज की इस वीडियो के जरिए मैं उन सभी नामों को डिस्कस करूंगा आपके सामने, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ अभी हाल ही के नाम पढ़ेंगे जो भी चेंज किए गए हैं, कुछ हम पहले बदले हुए नाम भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, काफ़ी बेनिफिशियल ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें अच्छा लगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। तो चलिए शहरों और स्थानों के बदले हुए नाम की बात, सबसे पहले तो आ जाता है इलाहाबाद, जिसका नाम अभी हाल ही में प्रयागराज रखा गया है। इलाहाबाद का नाम पहले भी प्रयाग हुआ करता था। अगर इलाहाबाद की बात करें तो प्रयाग जंक्शन के नाम से वहाँ पर आज भी एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है, प्रयाग जंक्शन, ठीक है। और अभी इसका जो नाम था चल रहा था वो इलाहाबाद के नाम से चल रहा था, और इलाहाबाद का नाम फिर से योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार सक्रिय है उनके द्वारा प्रयागराज नाम इसका कर दिया गया है, ठीक। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, तो वो है फैजाबाद। फैजाबाद जो जिला है, ठीक है, फैजाबाद जिले का अभी हाल ही में ऐलान किया गया है कि इसको अयोध्या नाम दे दिया गया है, ठीक है। फैजाबाद के नज़दीक ही अयोध्या सिटी है, श्रीराम जन्मभूमि के नाम से फेमस है अयोध्या नगरी, और इसी का नाम अब फैजाबाद जिले को नाम ख़त्म करते हुए यहाँ पर अयोध्या जिला इसका नाम रख दिया गया है। तो काफ़ी बड़े बदलाव हैं ये दोनों ही। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं तो मुगलसराय, ठीक है, मुगलसराय रेलवे स्टेशन, जो कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन हुआ करता था उसका नाम, अब उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय काफ़ी फेमस हस्ती रहे हैं, ठीक है, कुछ काफ़ी समय तक ये राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय। तो इनको जो हमारे देश की जो इस वक्त सक्रिय BJP सरकार है, ठीक है, अपना आइडियल मानते हुए काफ़ी जगह के नाम इन्होंने इनके नाम पर रखे हैं। आगे आ जाते हैं गुड़गांव। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया गया हाल ही में, ठीक है, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम, जो कि दिल्ली NCR क्षेत्र में आता है, हरियाणा राज्य का एक शहर है और इकोनॉमिकल शहर है, इकोनॉमी से संबंधित है, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर स्थित है। आगे बात करते हैं हजरतगंज, तो लखनऊ का हजरतगंज, ये लखनऊ का इलाका है, ठीक है, लखनऊ शहर, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और हजरतगंज, और हजरतगंज का नाम बदल कर रखा गया है अभी हाल ही में अटल चौक, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री पद पर रहे काफ़ी समय तक भारत के, ठीक है, और इन्हें भी BJP सरकार ने अपना आइडियल मानते हुए, आदर्श मानते हुए इनके देहांत के बाद अब हजरतगंज नाम का जो स्थान है उसका नाम अटल चौक रख दिया है। आगे बात करते हैं गोरखपुर एयरपोर्ट, ठीक है, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, ठीक है, योगी आदित्यनाथ योगी जो कि उत्तर प्रदेश के CM हैं, इनका ही प्रमुख शहर है ये गोरखपुर, ठीक है, तो इन्होंने ही महायोगी गोरखनाथ नाम से एयरपोर्ट का नामकरण किया है। बात करते हैं साबरमती घाट, साबरमती घाट जो है ये है गुजरात राज्य में, ठीक है, गुजरात राज्य में है साबरमती घाट, और इस घाट का नाम रखा गया है अटल घाट, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी से इंस्पायर्ड नेम है अटल घाट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह पढ़ते हैं आप गुजरात, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, गुजरात में है कांडला बंदरगाह, ठीक है, तो कांडला बंदरगाह का नाम भी चेंज किया गया है, वो है दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है, पूरा नाम दीनदयाल उपाध्याय है तो दीनदयाल बंदरगाह यहाँ से नाम रखा गया है। नेक्स्ट है आगरा एयरपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगरा एयरपोर्ट, तो आगरा एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया है दीनदयाल एयरपोर्ट, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, फिर आता है व्हीलर आइलैंड, जहां से अग्नि प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण किया जाता है, व्हीलर द्वीप, ठीक है, आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में पढ़ते हैं, ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल को छोड़ा गया, अग्नि 5 का प्रक्षेप
अर्पण किया गया, ठीक है। तो वही व्हीलर आइलैंड, वही व्हीलर द्वीप क्या है, उसका नाम बदला गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से रखा गया है। आगे बात करते हैं कि पहले बदले गए इन शहरों के नाम, तो उससे पहले जो शहरों के नाम बदले गए हैं वो भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें बड़ौदा, तो बड़ौदा का नाम रखा गया है बड़ौदरा। त्रिवेंद्रम केरल, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम हुआ करता था पहले नाम, अब हो गया है इसका तिरुवनंतपुरम। आगे चलें तो भारत की आर्थिक राजधानी बॉम्बे, बॉम्बे हुआ करती थी, अब उसका नाम हो गया है मुंबई। हिंदी हो या इंग्लिश, ठीक है, और दोनों ही लैंग्वेज में मुंबई अब लिखा जाता है, ठीक है। जबकि पहले बोला जाता था इंग्लिश में बॉम्बे बोला जाता था और हिंदी में बम्बई बोला जाता था, ठीक। चौथे नंबर पे आता है मद्रास, मद्रास का नामकरण किया गया चेन्नई के रूप में। फिर आता है कोचीन, कोचीन का नाम रखा गया कोची, ठीक। कलकत्ता का नाम रखा गया है कोलकाता, ठीक है। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी का नाम रखा गया पुंडुचेरी। आगे बात करें तो यहां पर थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है कानपुर, कानपुर नाम को रखा गया कानपुर, ठीक है। बहुत पहले की बात है, कानपुर हुआ करता था नाम और अब रखा गया है, उसका बाद में नाम चेंज किया गया कानपुर। बेलगाम की बात करें तो बेलगावी इसका नाम रखा गया है। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। पंजिम की बात की जाए तो पणजी। आगे आते हैं पूना, ठीक है। पूना का नामकरण पुणे के रूप में हुआ, शिमला, शिमला, और अब इसका नाम हुआ शिमला, ठीक है। शिमला और अब इसका नाम शिमला। फिर है बनारस, बनारस को वाराणसी, बनारस तो अब भी बोला जाता है, ठीक है, अभी भी काफी लोग बनारस बोलते हैं, ठीक, वैसे ही। आगे चलते हैं, आगे है वॉल्टेयर, वॉल्टेयर नाम रखा गया विशाखापट्टनम का। तंजोर नाम रखा गया तंजावुर का। जबलपुर नाम रखा गया जबलपुर का। फिर आता है कालीकट, और कालीकट नाम रखा गया कोझीकोड का, ठीक है। यहां पर एक नाम और है असम, पहले था और अब इसका नाम रखा गया असोम, ठीक है। तो काफी पॉपुलर सिटी के नाम यहां पर लिए हैं। वैसे तो बात आता है गुवाहाटी, गुवाहाटी का नाम रखा गया गुवाहाटी, गुवाहाटी का गुवाहाटी। फिर है मैसूर, मैसूर का मैसूरू, मैसूर का मैसूरू। फिर है अल्लेपे, अल्लेपे का अल्लपूझा, 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 ठीक है, ध्यान देंगे। फिर है मैंगलोर का मंगलुरु, मैंगलोर का मंगलुरु है, बेंगलोर का बंगलुरु है। तो ये नामकरण किए गए हैं, क्लियर गाइस। तो यही सभी बेनिफिशियल नेम हैं जो कि पहले बदले जा चुके हैं, अभी हाल ही में जो बदले गए वो मैंने आपके साथ शेयर किए, और जो पहले बदले जा चुके हैं वो भी मैंने यहाँ पर शेयर किया। हालांकि बहुत सारे सिटी के नाम चेंज किए गए हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वही सभी यहाँ पर मैंने शामिल किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, दिल से पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मिले।